नाइफ बेस एल्गोरिथम एक ऐसा एल्गोरिथम है जो क्लासिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्लासिफिकेशन के टास्क जैसे कि आपका स्पैम फिल्टरिंग है ईमेल आपका ठीक आया या नहीं आया आप इमेज क्लासिफिकेशन के लिए जो बेसिक क्लासिफिकेशन होती है वो भी आप कर सकते हैं देर आर मैनी अदर टास्क जो टेक्स्ट बेस्ड होते हैं खासतौर पर जहाँ पर टैक्सट का रोल है वो ई हो सकता है वो आपका टेक्स्ट हो सकता है वो आपके ट्वीट का सेंटिमेंट एनालिसिस हो सकता है तो ये मशीन लर्निंग का ऐसा एल्गोरिथम है जो उस किस्म के एनालिसिस करने में हमारी हेल्प करता है स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ अगर आप यहाँ पर गौर करें तो हमारे पास यहाँ पर नाइफ बेस एल्गोरिथम जो हम पढ़ने वाले हैं और मैं सभी को वेलकम बोलता हूँ आज के इस लेक्चर के अंदर क्योंकि जाहिर बात है जब आप मेरे साथ कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हैं सो मेरी रिकमेंडेशन रे, ये होती है कि आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें तो अभी मैं आपको ये बोलूँगा कि अभी भी अपना टाइम लें वीडियो को पॉज करें और दो सेकेंड के लिए अपनी नोटबुक जो है उसको प्रिपेयर करें एंड अदर देन दैट हमारे पास जो मेन चीज़ है आज के लेक्चर के अंदर वो है जनाब नाइफ बेस एल्गोरिथम नाइफ बेस एल्गोरिथम होता क्या है सबसे पहली चीज़ ये है कि नाइफ बेइज एलगोरीथम जो है ये हम इसको एन बी भी बोलते हैं अक्सर अकात हम इसको एन बी के नाम से यूज़ करते हैं सो so, इसको नाइफ बेज ही बोला जाता है सो so, होता क्या है ये, ये एक सिंपल है लेकिन सरप्राइजिंगली पावरफुल एल्गोरिथम है फॉर प्रोडिक्टिव मॉडलिंग एंड मशीन लर्निंग यानी कि प्रोडिक्टिव मॉडलिंग एंड मशीन लर्निंग के लिए बहुत ही बेस्ट एल्गोरिथम होने वाला है और ये एल्गोरिथम हमें बहुत ज़्यादा किस्म के प्रोडक्टिव क्लासिफिकेशन यानी कि टेक्स्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन में हेल्प आउट करते हैं और ये बेस करता है बेस थ्योरम के ऊपर यानी कि बेजियन आपने स्टेटिस्टिक्स पढ़ी होगी उसके अंदर बेस थ्योरम होता है जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करता है आज हाँ हम उसको भी सीखने वाले हैं और प्रोबेबिलिटी को भी नाइफ बेस थ्योरम के साथ ही हम देखेंगे नाइफ बेस एल्गोरिथम के अंदर ही देखेंगे और नाइफ बेस थ्योरम के साथ हम इसको बेस uh, थ्योरम के साथ हम इसको पढ़ने वाले हैं सो पर्टिकुलरली यूजफुल होता है ये क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यानी कि टेक्स क्लासिफिकेशन टास्क सच एज स्पैम फिल्टरिंग कि आपका ईमेल स्पैम में जान जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए आपने देखा होगा कि स्टार्ट स्टार्ट में जब ए, इंटरनेट का दौर था तो बहुत ज्यादा लोग ई स्पैम ई भेजते थे आजकल क्या होता है वो स्पैम ईमेल ऑटोमेटिकली आपके स्पैम फोल्डर के अंदर चला जाता है जो ओरिजिनल ईमेल है, वो नहीं जाता सो देयर आर फीचर्स जिनकी बेस पे स्पैम ईमेल के की होते हैं फिर सेकंड जो है आपके पास वो है सेंटीमेंट एनालिसिस और ये बिल्कुल मज़े की चीज़ है जैसे कि मैंने यहां पे लिखा है ना मज़े की चीज़ क्योंकि जब आप किसी चीज़ का सेंटीमेंट एनालिसिस करने लगते हैं तो तब भी आपको नाइफ बेस एल्गोरिथम को यूज़ करना पड़ता है यानी कि अगर आप ट्वीट्स देखते हैं सिर्फ फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिकल पार्टी के आपने ट्वीट देखने आप चाहते हैं कि देखेंगे कि ये बंदा पॉजिटिव सोचता है या नेगेटिव सोचता है देन यू कैन अप्लाई नाइफ बेस एल्गोरिथम ऑन देयर ट्वीट्स और ट्वीट से डेटा लेके नाइफ बेस एल्गोरिथम जो है वो क्लासिफिकेशन टास्क में हमारी हेल्प कर सकता है सो so, इसके अलावा हमारे पास सॉरी मेरी चेयर जो है वो थोड़ी सी नीचे चली गई थी सो so, इसके अलावा हमारे पास जो नाइफ बेस एल्गोरिथम है वो बहुत और से कामों में भी काम आता है। so, सो so, अगर हम गोरे की जुबान से देखें तो वो कहता है कि प्रोबेबिलिस्टिक मशीन लर्निंग मॉडल दैट इज यूज फॉर द क्लासिफिकेशन टास्क ये प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है यानी कि प्रोबेबिलिटी के बेस पे चलेगा और ये मशीन लर्निंग टास्क में हमारी हेल्प करता है कौन से जो क्लासिफिकेशन के टास्क हैं इट्स बेस्ड ऑन बेस थ्योरम बेस थ्योरम क्या होता है जैसे जैसे हमने नाइन टेंथ में मसले पढ़े थे या थ्योरम्स पढ़े थे जैसे मसला फिसागोरस है यानी कि कौन सा थ्योरम है पैथागोरस थ्योरम इसी तरीके से कुछ थ्योरम होते हैं थ्योरम क्या होते हैं वो किसी एक चीज को प्रूव करने के पीछे लगे होते हैं ऐसे फॉर एग्जाम्पल जैसे पैथागोरस थ्योरम था जिसके अंदर आप देखते थे दे कि जो आपका हाइपोटिन है, है इसका स्क्वेयर लें तो वो परपेंडिकुलर प्लस आपका जो बेस है इसके स्क्वेयर के बराबर है सो so, सेम इसी तरीके से बेस थ्योरम है जो प्रोबेबिलिटी का है वी विल सी दैट विच डिस्क्राइब्स क्या डिस्क्राइब करता है बेस थ्योरम द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन प्रोयर नॉलेज ऑफ कंडीशन रिलेटेड टू द इवेंट यानी कि प्रोबेबिलिटी हमें किसी एक चीज के होने या करार पाने को कहते हैं ठीक है कि किसी चीज का होना या करार पाना उसको प्रोबेबिलिटी बोला जाता है इसकी वैल्यू जीरो से लेके वन तक होती है अगर कोई चीज अकर नहीं करनी यानी कि उसके चांसेस जीरो हैं वो जीरो होगी वैल्यू अगर कोई चीज अकर करनी है तो उसकी वैल्यू वन होगी वन इज मैक्सिमम जीरो इज मिनिमम माइनस में प्रोबेबिलिटी नहीं होती तो बेस थ्योरम ये स्टेट करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट बेस्ड ऑन प्रोअर नॉलेज ऑफ कंडीशन रिलेटेड टू दैट इवेंट ठीक है द नाइव एस्पेक्ट जो इसमें नाइव बोला जाता है ऑफ द एल्गोरिथम कम्स फ्रॉम द एक्शन दैट

थ्योरम या नाइवेज नाइवेस एल्गोरिथम अल, बोला जाता है बेसिकली ठीक है सो अब हम देखते हैं कि बेस थ्योरम होता क्या है ठीक है बेस बेस थ्योरम थ्योरम बेसिकली एट इट्स कोर प्रोवाइड्स अ वे टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हाइपोथेसिस गिवन आवर प्रायर नॉलेज मैथमेटिकली इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं अगर जो हमारा बेसिक जो बेस थ्योरम है ये हमें स्टेट करता है कि आप किस तरीके से प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी एक हाइपोथेसिस की प्रायर टू योर बेस्ड ऑन योर प्रायर नॉलेज फॉर एग्जांपल मैंने सिक्का उछाल आसमान में तो 50 परसेंट चांसेस हैं कि हेड आएगा 50 परसेंट चांसेस है कि टेल आएगा ये मेरा प्रायर नॉलेज है इसके बेस पे मैं बेस थ्योरम की बेस पे किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ किसी एक इवेंट के होने या करार पाने के हम चांसेस कैलकुलेट कर सकते हैं ठीक है और प्रोबेबिलिटी जो है यही मशीन लर्निंग है यही स्टैटिस्टिक्स है इसके पीछे सारी की सारी थ्योरी है मैथमेटिकली इसको लिखा जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन एट बी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वन कंडीशन गिवन एट द अदर कंडीशन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बे एट कंडीशन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ठीक है अब इन सारी चीजों को क्या बोला जाता है

फिर बी के चांसेस कितने हैं ऑफ एनी हाइपोथेसिस सो से आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन कंडीशन बी के ऊपर आप अक्सर औकात कैलकुलेट करते हैं और मुझे पता है कि इस तरीके से फार्मूला याद करना मुश्किल है लेकिन अगर आप इस फार्मूले को अपनी नोटबुक में लिख लें देन वी कैन गो थ्रू वन एग्जाम्पल जिसके ऊपर आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना भी सीख जाएंगे और प्रोबेबिलिटी को समझना भी सीख जाएंगे राइट right? अब उस एग्जाम्पल को हम यहां पर देखते हैं इमेजिन यू आर ए टीचर मिसाल के तौर पर आप खुद को एक टीचर तस्वर करें जो क्लास ऑफ स्टूडेंट के बेसिकली आप पढ़ा रहे हैं एंड यू नो द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आपको जैसे मैंने पिछले स्लाइड में दिखाया कि हमारे पास गिवन डेटा होता है तो यहां पे इस एग्जाम्पल के अंदर आप टीचर हैं और आपके क्लास है स्टूडेंट्स की और आपको कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पता है फॉर स्टूडेंट्साइकल थर्टी परसेंट ब्रिंग देयर बाइसा टू स्कूल ठीक है यानी कि तीस परसेंट ऑफ देम वो अपने स्कूल में बाइसाइकल लेके आते हैं ठीक है साठ तीस परसेंट जो स्कूल में बाईसाइकिल आते हैं ऑफ दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट ओन अल टेन परसेंट ब्रिंग अ टू स्कूल मे बी दे बोरो वन ठीक है mm -hmm. अब तीन इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है साठ परसेंट स्टूडेंट के पास बाइक है इस साठ का तीस फीसद बाइक लेके आते हैं और कुछ दस फीसद लोग ऐसे हैं जिनके पास बाइक नहीं हो सकता है वो किसी की मांग के लेके आ रहे हो या उनके पास अपनी बाइक्स हो तो ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास है सिक्सटी परसेंट थर्टी परसेंट एंड टेन परसेंट अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन यहां पर मिलता है अब अगर आपने कैलकुलेट करना है कि जो स्टूडेंट बाइसिकल लेके आ रहे हैं स्कूल के अंदर उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि बाइसिकल उसकी है या किसी और की है यह एक मेन प्रॉब्लम है हमारे पास और उसको आप बेस थ्योरम के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे मैं आपको दोबारा से समझाता हूं साठ फीसद स्टूडेंट के पास अपनी बाइसिकल है उनका तीस फीसद लेके आता है लेकिन दस फीसद ऐसे लोग हैं बाइसिकल लाने वाले जिनकी अपनी बाइसिकल नहीं है तो हमने क्या करना है वो परसेंटेज कैलकुलेट करनी है वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो बंदा हमें बाइक के साथ नजर आए कितने फीसद चांसेस हैं कि ये बाइक उसकी है किसी और के नहीं है वो अक्सर औकात कहते हैं कि भाई ये अनेक नजर की है और तो वो फिर आगे मजाक से कहते हैं नहीं ये नज़र की नहीं है ये मेरी है सेम वही चीज आप हाँ नज़र दी आना कि नहीं दी नहीं है मेरी है। so, ये सो ये प्रॉबीबिलिटी है कि अगर किसी के पास बाइक है तो क्या वो उनकी बाइक है या वो किसी और की बाइक है दैट्स द प्रोबिलिटी अब हम देखते हैं कि प्रॉबिबिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करनी है फिर से सुन लें इफ यू सी अ स्टूडेंट विद अ बा वट इज द प्रोबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स ऑन अ बाइसिकल हमने उस प्रॉबिलिटी को कैलकुलेट करना है राइट right? अब आगे चलते हैं हमारे पास बेस थ्यूरम की एग्जाम्पल अगर हम देखें यहां पे हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं और उसको डिनोट करते हैं ए को इवेंट स्टूडेंट ऑन बाइसिकल ए को हमने लिख दिया कि के, के पास bicycle है B को हमने लिख दिया स्टूडेंट बाइसिकल लेके आते हैं हमने ये नहीं बताना कि वो बाइसिकल उनकी है या किसी की अब हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी के स्टूडेंट ऑन अ बाइसिकल जो हमारे पास ओरिजिनल इंफॉर्मेशन है वो पॉइंट सिक्स जीरो टोटल वन होती है प्रोबेबिलिटी जिसको हंड्रेड परसेंट बोला जाता है 60 की प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी होगी इसका मतलब ये हुआ कि कि ऑफ़ कंडीशन यानी स्टूडेंट ऑन बाइसिकल ठीक है अब चेक कीजिएगा कि यहां अ स्टूडेंट ऑन बाइसिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन एट कंडीशन एनिंट थ्री परसेंट लोग है 0.30 प्रोबेबिलिटी यानी कि 30%, 30 लोग ऐसे हैं प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ब्रिंग्स अ बाइसिकल टू द स्कूल गिवन दैट दे ऑन वन ठीक है अब जो ऊपर वाले हैं उन सभी के पास बाइसिकल है नीचे वाले ये हैं प्रोबेबिलिटी जो आपके पास स्कूल के अंदर बाइक लेके आते हैं राइट अब हमने क्या कैलकुलेट करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट नॉट ओनिंग अ बाइसिकल ठीक है पॉइंट वन जीरो परसेंट पॉइंट वन टेन परसेंट ऐसे लोग हैं उनकी प्रोबेबिलिटी है दैट अ स्टूडेंट ब्रिंग्स अ बाइसिकल जो किसी की उधार मांगी हुई है वो उनकी अपनी नहीं है वो किसी बहन भाई की हो सकती है वो किसी और की हो सकती है सो so, हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई अब हमने कैलकुलेट करनी है ईच एंड एवरी थिंग यूजिंग दिस थ्यूरम ठीक है जिससे हमें पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ उन लोगों की जिनको हम बाइसिकल देखते हैं बाइसिकल पे क्या ये बाइक उनकी है या उनकी नहीं है यहां तक आपको क्लियर हो गया ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा अब हम आगे चलते हैं अब हमने क्या करना है हमारे पास तीन वैल्यूज आ गई हैं पॉइंट सिक्स पॉइंट थ्री एंड पॉइंट वन हमने क्या करना है नाउ वी वांट टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यानी कि ओनिंग अ बाइसिकल, गिवन दैट दे आर ब्रिंगिंग दैट टू द स्कूल ऐसी हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि अगर हम किसी को स्कूल में बाईसाइकिल के साथ देखें तो वो अपनी बाइक को ऑन भी करते हैं सो so, उस प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए यानी कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ स्टूडेंट दैट ऑन अ बाईसाइकिल गिवन दैट दे बॉट वन टू स्कूल बेस थियोरम स्टेट करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एट गिवन कंडीशन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्योंकि हमने इसको कैलकुलेट करना है दन नाउ वी विल सी

जो ये बताता है कि एक कंडीशन की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एट गिवन कंडीशन ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन कंडीशन नॉट ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए तो हम इन तीन चार चीजों को लिख के प्लस का साइन और इस इक्वेशन के थ्रू लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्रू हम एक चीज की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कि प्रोबेबिलिटी इस चीज की यानी कि चांसेस ऑफ परसेंटेज ऑफ दैट थिंग कि वो अपनी बाइसिकल जो है वो स्कूल में लेके आ रहे हैं ऑन करते हैं या नहीं करते दैट्स अनदर थिंग ठीक है जब हम इसके अंदर सारी चीजों को पिन करते हैं तो हमारे पास कुछ ये फॉर्मूला आता है हम सारी नॉन वैल्यूज पॉइंट थ्री इक्वल टू पॉइंट वन एट प्लस पॉइंट जीरो फोर और टोटल प्रोबेबिलिटी उसकी बनती है पॉइंट टू टू ठीक है सो so अगर हम चेक करें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बनती है पॉइंट टू टू हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ़ ए भी मौजूद है विच इज़ पॉइंट सिक्स जीरो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गेट गिवन, गिवन कंडीशन ए भी मौजूद है विच इज़ पॉइंट थ्री जीरो हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ गई नाउ वी विल इम्प्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एट गिवन कंडीशन बी जिसके चांसेस हमारे पास आते हैं पॉइंट एट टू यानि कि अगर स्कूल में कोई लौंडा या कोई लड़की साइकिल लेके आते हैं तो उनके बयासी फीसद चांसेज़ हैं कि ये साइकिल वो ऑन करते हैं सिंपली तो ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बेस थ्योरम के थ्रू आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं मैं एक दफ़ा फिर से आपको स्लाइड्स दिखा देता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें और इसको एक दफा दोबारा से जरूर देखिएगा अदरवाइज आपको ये क्लियर नहीं होगा एंड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को आप ज़रूर देखिएगा खुद से सो so, ये था जी हमारी एग्जाम्पल ये बेस थ्योरम है इसका आप स्क्रीन ले सकते हैं सिंपली मैं यहाँ से अपनी जो वीडियो है उसको थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ से आप स्क्रीन इसका ले सकते हैं फिर यहां से इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीन ले सकते हैं एंड देन यू कैन पॉज दिस इसका एक स्क्रीन ले सकते हैं एंड देन आप यहाँ पे इसको पॉज करके इसका स्क्रीन ले सकते हैं तो आपके पास ये पांचवा स्क्रीन जब इस चीज का आएगा देन यू कैन अंडरस्टैंड कि प्रॉबिलिटी और बेस थ्योरम क्या होता है ये आपके लिए समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आप इसको नहीं समझते बिलीव मी आप प्रोबेबिलिटी क्या आप कोई भी स्टेटिस्टिक्स में जहां पे भी प्रोबेबिलिटी का जिक्र आएगा वो नहीं समझेंगे और स्टेटिस्टिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी मैंने इसी वजह से नहीं पढ़ाई थी बिकॉज आई वॉज गोइंग टू टीच यू नाइफ बेज एलगोथम और यहाँ पे बेजियन थ्योरम आपको पढ़ाना था या बेस थ्योरम आपको सॉरी पढ़ाना था और इस बेस थ्योरम के साथ लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी भी आपको पढ़ाना था दैट्स वाई आई स्किप दिस फॉर अ मोमेंट अब आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी को जरूर पढ़िएगा और बेस थ्योरम को एक दफा और देखिएगा और इसकी कम अज कम तीन से चार एग्जाम्पल्स आप जरूर देखिएगा जिसका आपको एडवांटेज होने वाला है इन फ्यूचर इनशाला तो यहां पे इस लेक्चर को मैं रोकता हूं